Hi, Nili. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good, good. Sit. Ready for your Arabic makeover? Yes. Really. So are you excited? Very excited. Good, good, good. It's good to know that. This is an Arabic makeover, जिसके अंदर हम मिली को देंगे dreamy lashes और एक Arabic hijab. मिली, do you know कि Arabic ladies को अपना जो makeup है वो बहुत loud करना पसंद है? And they like to make their face very white. Yes. And big eyes. Big eyes and black big eyes. So I'll start with concealing. I'll conceal a few marks that are here and your under eyes, and we'll make you really nice and highlighted for this particular makeover. हमने मिली का बेस किया है एयरब्रश फाउंडेशन के साथ. इनका फेस काफी क्लियर है, पर थोड़े बहुत जो स्पॉट्स हैं वो हमने कंसीलर से छुपाए और बाकी इवननेस देने के लिए हमने ये सिलिकॉन बेस लगाया. अब इनके फेस पे हम हल्का सा पाउडर लगाएंगे, कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग करेंगे. Will I achieve that proper Arabic look? Yes, of course, Millie. हम इसको अचीव करने के लिए आपकी आईज को थोड़ा और लंबा दिखाएंगे. आंखों के अंदर हम आपको व्हाइट काजल देंगे. We'll use a lot of black also because Arabic women love to use a lot of black. And we'll give you some dreamy eyelashes with nice glitters Those and shimmers. Big eyelashes. Those big eyelashes. I will start by applying cream colors and इनके ऊपर हम glitters and shimmers लगाएंगे. There's one very important thing in Arabic eyes, जो eye socket होता है वो front से बहुत sharply defined होता है. So we have to carefully create that shape from the inner corner of the eyes. इनर कॉर्नर के एकदम साइड पर हम सिल्वर लगा रहे हैं, सो दैट आई कैन क्रिएट अ लिटिल मोर स्पेस. इन क्रीम आई शेडोज पर मैं ग्लिटर लगा रही हूं, क्योंकि ये क्रीमी है तो ग्लिटर आराम से इनके ऊपर स्टे करेगा. Eyebrows के नीचे I'm applying the silver color. Arabic women have very nicely defined eyebrows. Most of them like to keep it very thin. बट अभी जो मिली की आईब्राउज की आर्च है, दैट इज वेरी प्रिटी एंड वेरी एप्ट फॉर आर अरेबिक मेकओवर.
Because we are going to use strong colors, मैं मिली की अंडर आईज को एक्स्ट्रा पाउडर लगा के प्रोटेक्ट कर रही हूँ. इस एक्सेस पाउडर को हम आई मेकअप खत्म होने के बाद रिमूव कर देंगे. ये सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि अगर जो हम ब्लैक कलर लगा रहे हैं या जो ग्लिटर्स लगा रहे हैं वो नीचे के मेकअप को डिस्ट्रॉय ना करें. सो डोंट वरी, जितना आसपास फिल हुआ है वो सब झड़ जाएगा. I've taken a black color with a little bit of blue shimmer in it. जो हमने नीचे ग्रीन ब्लू कलर लगाया था उस कलर की हल्की सी रिफ्लेक्शन इस ब्लैक में से नज़र आएगी. दिस विल गिव अ ड्यूल टोन इफेक्ट टू द ब्लैक दैट वी आर डूइंग. हाइलाइटिंग के लिए मैं सिल्वर यूज कर रही हूं. जहां पर मैंने सिल्वर क्रीम कलर लगाया था वहीं पे मैं सिल्वर डस्ट लगा रही हूं. Now I'm going to give you a black kajal. मैंने अपने मस्कारा वॉन्ट को ब्लैक आईलाइनर के साथ कोट किया है क्योंकि मेरा आईलाइनर वाटरप्रूफ है और इसी को मैं यूज़ करूँगी आईब्राउज को डिफाइन करने के लिए. लोअर वाटर लाइन में मैं व्हाइट कलर का आईलाइनर लगा रही हूं. दिस विल क्रिएट मोर स्पेस इन योर आईज. आंखों पर अब हम ब्लैक कलर का मस्कारा लगाएंगे. हमेशा याद रखिए कि लोअर लैशेस पर पहले और अपर लैशेस में बाद में. जब तक मस्कारा ड्राई होगा तब तक हम अपना जो एक्स्ट्रा पाउडर हमने प्रोटेक्शन के लिए लगाया था उसे रिमूव कर लेते हैं. इस एरिया को और ज्यादा हाईलाइट और लिफ्ट देने के लिए सिल्वर शिमर लगा सकते हैं. जो मस्कारा हमने लगाया था वो ड्राई हो चुका है और अब बारी है लैशेस की. लैश लाइन के पास एक हाइपो एलर्जेनिक ग्लू लगा लीजिए जो कि सिर्फ आईलैश लगाने के लिए ही बनाई गई हो. लैशेस को अटैच करने के लिए आपको ट्वीजर्स की जरूरत पड़ेगी. आईलैश ग्लू ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है. ट्रांसपेरेंट
try to apply the eyelashes as close to the lash line as possible. ग्लू को ड्राई होने में 1 से 2 मिनट लगते हैं। जब तक ग्लू ड्राई होगी तब तक हम अपने लिप्स कंप्लीट कर लेते हैं। मिली का मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब हम इन्हें हिजाब ड्रेप करेंगे।